बॉलीवुड में अपने अभिनय का सिक्का चमकाकर हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। वह इंटरनेट पर छाई हुई है। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद अब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में ज्यादा एक्टिव है। हालांकि एक्ट्रेस के फैंस इस बात से परेशान रहते हैं कि आखिर उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला क्यों किया। अब खुद प्रियंका ने अपने फैसले पर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि आखिर उन्होंने क्यों बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड का रुख किया। टेक शेफर्ड के पॉडकास्ट शो आर्मचेयर एक्सपर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें बॉलीवुड में वैसा काम नहीं मिल पा रहा था जैसा वो करना चाह रही थी। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई थी। शो में जब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने किस वजह से अमेरिका में काम तलाशना शुरू किया, जिसके जवाब में प्रियंका ने कहा बॉलीवुड में करियर के पीक पर उन्होंने एक्टिंग छोड़ सिंगिंग करना शुरू कर दिया था और अमेरिका में काम तलाशना शुरू कर दिया था। इस दौरान बॉलीवुड में मुझे जो काम मिल रहा था मैं उसे संतुष्ट नहीं थी। हालांकि प्रियंका ने खुद कहा कि मैं इस बारे में पहली बार बात करने जा रही हूँ क्योंकि इस विषय पर बात करने में मुझे असहज महसूस होता है। प्रियंका ने बताया कि देसी हिंट की अंजलि आचार्य ने मुझे एक बार किसी म्यूजिक वीडियो में देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस समय मैं सात खून माफ की शूटिंग कर रही थी। अंजलि ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अमेरिका में अपना म्यूजिक करियर बनाना चाहूँगी। मैं उस वक्त बॉलीवुड से भागने की तलाश में थी। उन्होंने आगे कहा मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज रही थी। मुझे इंडस्ट्री में कोने में धकेला जा रहा था। लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लोगों से शिकायत थी। मैं उस तरह के गेम खेलने में अच्छी नहीं हूं। मैं पॉलिटिक्स से थक गई थी और मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। वहीं प्रियंका ने बताया कि म्यूजिक के कारण मुझे दुनिया के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जो फिल्में मुझे मिल रही थी उनके लिए मैं कभी नहीं तरसती थी। मैंने इंडस्ट्री में तक काफी समय तक काम कर लिया था और अब मुझे नहीं लगा कि आगे मैं इसे करना चाहती हूं। इसलिए जब म्यूजिक का ऑफर आया तो मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैं तो चली अमेरिका। इसके बाद प्रियंका ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। यहाँ उन्होंने पिटबुल और जे जेट से पॉपुलर इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ काम किया। हालांकि म्यूजिक में उनका करियर इतना सफल साबित नहीं हुआ, जिसके बाद प्रियंका ने दोबारा एक्टिंग में हाथ आजमाया। उन्होंने एबीसी सीरीज की क्वांटिको में काम किया। इसके बाद पूरी दुनिया में वो पहचानी जाने लगी। इस सीरीज के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में भी काम किया। हॉलीवुड में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने वाली प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही सिटाडेल और लव अगेन जैसी हॉलीवुड मूवीज में नजर आने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका ने इस बारे में भी बात की कि कैसे उनकी डार्क स्किन की वजह से उन्हें फिल्मों में गोरा दिखाया जाता था और फेयरनेस क्रीम की एड की वजह से भी उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा था क्योंकि वो सांवली थी। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि मुझे याद है कि जब मैंने फिल्में करना शुरू किया तो मुझे सांवली समझा जाता था। सांवली एक्ट्रेस के रूप में लिया जाता था और मैं इस तरह की थी। सांवली क्या है, इसका क्या मतलब है? फिर भी मैंने एक विज्ञापन किया फेयरनेस क्रीम के लिए। और एक ब्यूटी ब्रांड एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और सभी ब्यूटी ब्रांड्स वही क्रीम बेच भी रहे हैं। वहीं प्रियंका के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत उनके समर्थन में उतर आई है। उन्होंने करण जौहर पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका के बॉलीवुड के बारे में ये विचार है, लोगों ने उनके खिलाफ गैंग बनाई, उनके खिलाफ खेल खेले, उनको किनारे किया, जिस कारण उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। वहीं मूवी माफिया ने आउटसाइडर प्रियंका चोपड़ा को इस निशाना बनाया। उन्होंने इस कदर प्रताड़ित किया कि उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। वहीं अपने ट्वीट में कंगना ने करण जौहर को शालू और मतलबी बताया है। वहीं प्रियंका चोपड़ा के इस खुलासे पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।